एक और नए फ्रेश व्लॉग में आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक ही हैं। मैं ज़्यादा ठीक नहीं हूँ, मन बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी ठीक होने की कोशिश में हूँ। तो आप लोगों के साथ ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मार्केट जाना है और बहुत कुछ जगह पे जाना है। सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज है एक बर्थडे, मतलब एक बर्थडे पार्टी में हम लोगों का इनविटेशन है। वो किसका बर्थडे है, हम लोग कैसे जाएंगे, हम कौन कौन जाएंगे, हम क्या गिफ्ट देंगे, सब कुछ है इस वाले व्लॉग में, तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो मैं, राहुल और चिकू अभी जा रहे हैं मार्केट गिफ्ट खरीदने के लिए। क्या गिफ्ट देंगे वो अभी तक नहीं सोचा है, तो जाके ही सोचेंगे। पीयू ने कुछ आइडियाज़ दिए हैं, वो देखते हैं क्या होता है। तो सब कुछ मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। अभी फ़िलहाल चलते हैं, नहीं तो देखिए 5:30 बज रहे हैं, लौटते लौटते अगर देर हो गया तो वहाँ पर जाने में भी देर हो जाएगा। तो चलिए गिफ्ट खरीदने जाते हैं। तो मैं भी रेडी हो रही हूँ, हम लोगों ने गिफ्ट खरीद लिया है, मैं अभी आपको दिखाऊँगी। वो रेडी क्या होना है, बालों में शैम्पू ही नहीं है। मैंने सोचा था कि कल किया था शैम्पू, तो आज छोड़ देते हैं, लेकिन देखिए बाल एकदम ऑयली ऑयली हो गया है। मेरा यही है, एक दिन शैम्पू करो उसके बाद का दिन ही बाल एकदम ऑयली हो जाता है, तो वो एक गलती हो गया। कहीं पे बाहर जाने से पहले शैम्पू एकदम मस्ट है। और मैंने ये कुर्ता पहना है, ये कुर्ता मैंने जनवरी में ख़रीदा था, एक पार्टी था उस टाइम पे, यहाँ से ही लोकल मार्केट से ख़रीदा था, तो यही पहन लिया है। थोड़ा थोड़ा गर्मी है, लेकिन बाहर थोड़ा थोड़ा ठंडी है, इसके लिए ये थ्री क्वार्टर से भी बड़ा है ये पहना है। और चीकू को बाहर रखा है, क्योंकि अभी अगर वो अंदर आ जाएगा तो मुझे रेडी होने नहीं देगा, तो मैंने सोचा मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद उसको ला के उसको रेडी करके मैं लेके जाऊँगी। तो ठीक है, मैं झटपट रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या गिफ्ट दे रहे हैं उनको। तो चलिए बने रहिए। लोगों ने ना ये एक केक मंगवाया था सुचोरिता के पास से, बहुत ही अच्छा केक था। और ये एक स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल मतलब बेड के ऊपर जो टेबल आते हैं वो। तो ये दो गिफ्ट हम लोगों ने खरीद के लाया था, हम लोग देंगे उसको। ছোট কাকু জন্মদিন না, তোমাকে এখানে বসতে হবে না, ওখানে যাচ্ছে। কাদের না, ওর কিছু হয়নি, তবে হতে পারতো।
किसका बर्थडे है वो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई। आज बर्थडे है राहुल के छोटू काका के बेटे का। उसका 10th ईयर का बर्थडे है, तो वहाँ पे ही हम आए हैं। घर के सामने ही है, जो रिजू के घर है उसके एकदम पास है, हमारे घर से 1 मिनट का डिस्टेंस है, तो वहीं पे आए हैं। अभी केक कटिंग हो गया है और चीकू खेल रहा है और सभी लोग उधर है, तो मुझे चीकू को देखना पड़ रहा है। वो सारे चीज़ को ऐसे पकड़ के खींच रहा है, दौड़ रहा है, मतलब मस्ती कर रहा है। उसके लिए उसको मुझे देखना पड़ रहा है, इसके लिए मैं ज़्यादा मतलब शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो ठीक है, जितना कर पाती हूँ वही मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। बहुत मज़ा आ रहा है बहुत दिनों के बाद, तो चलिए दिखाते हैं कि ये मुझसे फ्री फायर। अच्छा अच्छा, बर्थडे बॉयटाके देखি তো একটু। এই বাবা কি হাসি রে। আচ্ছা গিফট গুলো দেখিয়ে নাও বাবা। গিফট খুলবি এখন না পরে খুলবি? আচ্ছা এটা এটা কে দিয়েছে? এটা রিজু দাদা। এই যে রিজু দাদা দিয়েছে, রিজু দাদা। আচ্ছা আর 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 গিফট কই? পারমিশন নিয়ে নিয়ে একটু খেয়ে নি।
खाना खाने के बाद हम लोग 10:15 को घर आए थे। बहुत ही मज़ा आया आज। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। कल फिर मिलूंगी और एक न्यू फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक टाटा। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है ना? अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए।